सो अगेन मैं समीरा जी दूसरों के बारे में नहीं बोलूँगा, एक बहुत ही व्यक्तिगत पर्सनल स्टांस होता है। मैं मीडिया के बारे में भी बुरा नहीं बोल सकता क्योंकि मीडिया ने मेरा बहुत बहुत सपोर्ट किया है, मुझे बहुत मान दिया है और मैंने भी बहुत मान दिया है, मैंने भी बहुत तवज्जो दिया है, मैंने भी बहुत रिस्पेक्ट दी है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप आज मेरे घर आई, मैं आपके पास अगर आऊँगा मोहब्बत से, आपको सलाम करूँगा, आपका नाम जानूँगा, आप कैसी हैं, जितनी अदब से, मोहब्बत से, इज्जत से पेश आऊँगा, आप उतनी ही अदब और मोहब्बत से पेश आएंगे। इनफैक्ट हो सकता है आप पाँच गुना ज़्यादा दे दें। सो ताली दो हाथ से बजती है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक ज़रूर ऐसा वक्त है जहाँ इंडस्ट्री को, मीडिया को, सबको थोड़ा अपने व्यक्तिगत में ज़रूर झांकना चाहिए और हम लोग को रियलाइज़ करना चाहिए पहली चीज़ कि हम सब बराबर हैं, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है और जो हम बनाते हैं हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, हम सब एक फैमिली हैं, एक इंडस्ट्री है। ठीक है, थोड़ा तनाव, थोड़ा मनमुटाव चलता है, बट एज अ होल हमें इस चीज़ का अमल करना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा कि हम सब एक हैं, हमें एक दूसरे के प्रति इज्जत, मान और तवज्जो देना सीखना पड़ेगा। जहाँ तक आपने बात की पर्सनल लाइफ के बारे में, everyone has the right to choose where they want to tell their story. इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बट ऑफकोर्स मैं समझ सकता हूँ कि वो जो डुअलिटी है उससे कई लोग होते हैं खुद ही अपनी तस्वीरें भेज देते होंगे या अपने बारे में बताते हैं, तो वो एक वो जो एक अड़चन है, वो जो एक मीडिया और एक्टरों के बीच में है, वो आई थिंक हमेशा रहेगा। मेरे साथ नहीं हुआ। मैं एक बार आ रहा था इधर बाहर से एंड वहाँ काफ़ी पैप्स वाले जो बच्चे हैं अपने वो वहाँ पे थे और वो किसी और के लिए आए होंगे क्योंकि मेरी मूवमेंट तो किसी को नहीं पता चलती। सो एंड मुझे लगता है किसी को रुचि भी नहीं है ये जानने के लिए कि मैं जिम कब जा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं यार पिक्चर बना दो देख लेंगे, यू नो। सो वहाँ उन बच्चों ने मेरे साथ एक लेडी थी जो नहीं चाहती थी और नहीं चाहते थे कि कि मेरी पर्सनल लाइफ बाहर जाए। ये बच्चे आए क्योंकि मैंने हमेशा इनका मान रखा है जी। कभी कोई तकलीफ हो जाए, इन लोग के पास नंबर है कि तकलीफ होगा मैं पहले आ जाऊँगा हेल्प करने, पर मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैंने कहा भाई मेरी दोस्त नहीं है, ये नहीं चाहती, हम नहीं चाहते कि इस वक्त ये बात बाहर आए, तो आप देख लीजिए किसी ने नहीं छापा, एडिटर तक के नहीं पहुंची वो फोटो। वो 8-9 लड़कों ने डिसाइड किया नहीं यार हमें भाई हमारी बहुत इज्जत करते हैं, बाकी सड़क में मिल जाओ, कहीं खड़े हो जाओ, ले लो फोटो, नो प्रॉब्लम। तो आई जस्ट फील हाउ यू हैंडल, यू कांट यूज एंड थ्रो। अब ये लड़का है, इसको ये इतना काम कर रहा है तो मैं 4 दिन इसका तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी आप आ गए आपका इस्तेमाल कर लिया, अब जरूरत नहीं है तो एकदम धुतकार दिया। वो यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि थोड़ी अगेन वही आ गया, सद्भावना, थोड़ी इज्जत आ जाएगी तो दोनों पार्टीज जो हैं, थोड़ा इंसान को गुस्सा तब होता है जब उसको फील होता है कि यार सामने वाला फरेब कर रहा है, हमारी इज्जत नहीं कर रहा, हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमें इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई भी इंसान है उसके अंदर थोड़ा सा गुस्सा आएगा, वो जायज़ है। सो इट्स अ थिन लाइन। आई फील जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सॉलिडैरिटी, थोड़ा यूनिफाइड होंगे तो ये सॉल्व किया जा सकता है। हो सकता है, राइट। वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने ट्रैवल किया, अपनी जर्नी बताई, क्या हम आगे आपके और व्लॉग्स देख सकते हैं? समीर जी, पहले तो ये व्लॉग नहीं है, आपने क्योंकि देखा नहीं है। मैं व्लॉग्स की बात करी, मैंने आज तक व्लॉग्स नहीं बनाया। क्या थोड़ा आपकी लाइफ के बारे में हम जान सकते हैं थ्रू व्लॉग्स? आई डोंट नो, व्लॉग्स तो नहीं पता, बट ये डॉक्यूमेंट्री है जी, सो वी विल ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक। जैसे अभी यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी बहुत हमें ट्रैवल की देखने मिल रही जी, है जी। वैसे हम थोड़ा सा पर्सनल, अब होता है वो डिपेंड करता है, मैंने केतन भगत के साथ वो किया था पॉडकास्ट जी जी, अब मेरा उनके साथ एक ताल्लुक है, मेरी पहली पिक्चर जिस किताब पे आधारित थी उन्होंने लिखी है, वो मैंने अपने लाइफ के बारे में बहुत चीज़ें शेयर की। वो शेयर करने से एक वक्त था, एक माहौल था, गलत बताया समीर जी क्या होता है कभी कभी, मुझे लगता है कि मीडिया को भी सवाल जो है कभी कभी, अब क्या आप एक पिक्चर प्रमोट कर रहे हैं,
और फिर वो एकदम बोल देंगे फला फला, आप जब 20 साल के थे आपने सुसाइड की थी क्या? अब इसको कोई तुकी नहीं है. नहीं है, राइट. सो मीडिया को भी अपने आप में झांकना पड़ेगा कि भाई क्या एटमोसफेयर है, क्या मूड है इस सवाल को. ये जो हम इस सवाल पूछ रहे हैं इस इंसान से, वो भी लालच है ना यार, चलो ये जवाब भी मिल जाए. तो वो समझ, जिस दिन सही समझ सही नियत से आएंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब मिलेंगे. प्रॉब्लम कहाँ होती है, जहाँ भेड़ 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 कहा जाते हैं सब, कि सब कहीं ना कहीं अपनी ईमानदारी खो देते हैं. तुम एक्टर हो चाहे मीडिया हो. अब जैसे आज ये चल रहा है इंटरव्यू, और आप इस इंटरव्यू में एकदम से आज हम इस बारे में मिलने बैठे, थोड़ा लाइफ, थोड़ा मोटरसाइकिलिंग, एडवेंचर स्पोर्ट, बहुत पॉजिटिव बात है. अब इस समय अगर आप कोई, आपने मेरी कोई बात सुनी हो, अब आप बोल दोगे, तो आई जस्ट फील, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक गलत जोन में चले जाएंगे. व्यक्तिगत रूप में आई लाइक माई लाइफ बींग प्राइवेट. मुझे इस बात का भी अब एहसास है कि मेरे पास एक अद्भुत कहानी है जिससे लोग इंस्पायर हो सकते हैं. बट वो कहानी अगेन मैं एक विक्टिम या किसी की सिंपैथी के लिए नहीं बताऊंगा, और जिस तरीके से बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये बहुत ग्रेसफुली बताई है इसने, और उसके लिए भी पूरा जीवन है. आज ही सब कुछ बता नहीं देना. Exactly. क्योंकि मेरा पहला काम जो है वो ये नहीं है कि मैं आपको अपने बारे में बताऊँ या मैं कितना सक्षम हूँ या कितना अच्छा हो गया हूँ या मैंने क्या परिस्थितियाँ देखी, क्योंकि रियल लाइफ में हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है. Exactly. जब आप लोगों से मिले, जब मोटरसाइकिलिंग में ना सबसे बड़ा तो लेसन यही मिलता है, ठंडे हो जाते हो. हाँ, आपको लगता है यार मुझसे बहुत खतरनाक कहानी तो इसकी है, इसकी है, इसकी है, यार ये मुझसे बड़ा हीरो है, रियल लाइफ हीरो है. सो आप ठंडे हो जाते हो. आई जस्ट फील उसको लेवरेज नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो कहानी है वो कुदरत ने आपको दी है, एंड ज़रूर उसके बारे में उसको शेयर करना चाहिए. बट वो शेयर अच्छे मीनिंग के होना चाहिए. अपना फ़ायदा ढूंढना या सिंपैथी गेन करना, ये सब मुझ में नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा. जहाँ कंफर्टेबल होगा, जब कंफर्टेबल होगा, मन में आएगा कि अपनी ये बात बतानी है, बता देंगे. वेल, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, यू नो, आपने जिस तरह कहा कि आपका तो बड़ा जो ज़्यादा टमी वाला जो पिक्चर था, थोड़ा सा कट करने कहा, आपने कहा वो मेरा फेवरेट था. उसी तरह कोई ना कोई एक फेवरेट मेमोरी भी होगी इस दौरान, क्या आप शेयर कर सकते हो फेवरेट मेमोरी इस ट्रिप की? यस, आई थिंक इस ट्रिप की, सो मैंने जांगसार वैली जब कर रहे थे, ऑफकोर्स स्पीति सबको पता है कि बहुत अद्भुत है किन्नौर वैली. बहुत जांगसार बहुत टफ था, नेटवर्क नहीं था एक दो दिन, और काफ़ी ऑफ रोडिंग थी. सो आई वाज आल्सो गेटिंग टेस्टेड एज अ राइडर. एंड विजय सर हैं जिन्होंने रेड डी हिमालय शुरू की थी, 10 साल खुद जीते थे, वो भी इस राइड में साथ में थे. तो आई थिंक वन ऑफ द हाई पॉइंट वॉज राइडिंग विथ हिम. मेरा दोस्त है शारिक, जिसका मैंने बहुत एडवेंचर किया है, वो इसको शूट कर रहा था. सो आई जस्ट फील ये बहुत इंटीमेट, एक कोजी इंटीमेट ट्रिप थी. और सो बट ये राइडिंग के कुछ दिन थे जहाँ राइडिंग टफ थी, उन दिनों एक अलग मज़ा आया. यस यस, यू नो, आप जिस तरह मेंशन करें कि थोड़ी टफ थी, इस टफ राइडिंग एडवेंचरस जर्नी के बारे में ये भी जानना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा लोग राइडर्स भी है जी. जो लॉन्ग ट्रिप्स पर जाते हैं, बट वो ट्रिप्स उनके लिए कहीं ना कहीं, यू नो, वो अपनी राइडिंग को कुछ ज़्यादा कह सकते हैं कि अपनी लाइफ से भी ज़्यादा वो प्यार करते हैं, कि उनकी लाइफ नहीं रहती है. तो ये सारी सेफ्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, किस तरह की सेफ्टीज़ आप लोगों ने लेकर चले थे इस चीज़ के लिए, और अगर राइडर्स को आपको कुछ इस मैसेज देना हो, एडवेंचरस जो लोग हैं उन्हें मैसेज देना, तो क्या आप दोगे? इसमें मुझे नहीं लगता कि मेरे मैसेज की ज़रूरत है. इंडिया के राइडर्स बहुत इवॉल्व्ड हैं, बहुत अच्छी राइडिंग कर रहे हैं, एंड सबको रूल्स मालूम है. अब मैं तो अब नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे अब जाएंगे तो रेड लाइट आएगी रुक जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है. Exactly, right. कि रेड लाइट आएगी रुक जाइएगा. पहाड़ों का बस कुछ ये पॉइंट्स हैं जो एक्लेमेटाइजेशन, उसकी वजह से कभी कभी सड़कों पर पाला होता है, कभी फ्रॉस्ट होता है, कभी ब्लैक आइस होती है, कभी कुछ होता है. वो ऑफ कोर्स यू नो आप कुछ ऑब्स्टिकल कोर्सेज करते हैं, सीखते हैं. एंड आई फील राइडिंग का एक डिसिप्लिन है, इवन व्हेन यू आर राइडिंग विद अ ग्रुप एंड व्हेन यू आर राइडिंग अलोन, देयर आर सम रूल्स व्हिच एवरीबॉडी अगेन नोस. मेन चीज़ है डिसिप्लिन. आई थिंक थोड़ा
डिसिप्लिन वाइल्ड राइडिंग, एक्साइटमेंट को कंट्रोल रखना, क्योंकि जब आप ऐसी अद्भुत जगहों पे जाते हैं और एक्चुअली जितने हाइट पे जाते हैं एयर भी थिन हो रहा है तो ऑक्सीजन भी हो रहा है, सो इट ऑल्सो स्टार्ट्स प्लेइंग विथ योर माइंड. सो रेगुलर रेस्ट लेना, लोगों से मिलना, बातें करना, यू नो. सो मैसेज तो मेरे पास, मैं एक मैसेज तो राइडिंग का नहीं है, ऑलवेज से पीपल की ओपन योर हार्ट, यू नो, अपने दिल और आत्मा को खोल दो, बाकी सब सरल हो जाएगा. डिसिप्लिन आई थिंक एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, एंड एक्साइटमेंट को, आई थिंक वाइल यू ऑन द बाइक एक्साइटमेंट को, बढ़िया मैसेज मेरे लिए भी है क्योंकि बाइक पे आते ही एक्साइटमेंट आ जाती है ना, थोड़ा वो राइडिंग वाली एक्साइटमेंट होती है. हाँ, तो उसको कंट्रोल, एक्साइटमेंट तो नहीं हटानी चाहिए, नहीं तो क्योंकि एक्साइटमेंट के लिए खाली रास्ता और हाईवे दिक्कत और ज्यादा ना. हाँ, उसको थोड़ा फिर कंट्रोल रखना पड़ता है कि खुद की सेफ्टी और औरों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए. वेल, इसी के साथ साथ आपकी आने वाली कुछ मूवीज, वेब शोज है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे. कब रिलीज हो रही है? मेरी दो फिल्म रेडी हैं समीरा जी. वन इज कॉल्ड पुणे हाईवे एंड द सेकेंड वन इज दिस द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप. एंड जब मैं इसको शूटिंग कर रहा था तो मैं अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, अपनी कास्ट को बोलता था मुझे इसमें एक कायपोछे वाली फीलिंग आ रही है. सो एक बहुत अच्छी कहानी है ये, इट इज़ रेडी फॉर रिलीज. एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड मैं, विच इज़ अबाउट अ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एक बहुत ही गुस्सेल और ईगोस्टिक, एंग्री येट वेरी पावरफुल इनकाउंटर स्पेशलिस्ट. सो वो भी रेडी है एंड आई थिंक अगले कुछ महीने में दोनों आ जाएंगी. आ जानी चाहिए. वेल, आपने इतनी सारी वेब शोज हो, मूवीज हो, आप